हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलकायंस व्लॉग्स। सो गाइस, आज का व्लॉग भी काफी खास होगा, तो व्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। तो कल मुझे जाना है एक इवेंट में जिसका थीम है एमली इन पेरिस। तो ब्रंच पे मुझे इनविटेशन मिला है, ब्रंच पे, तो ब्रंच पे जाएंगे हम, खाएंगे पियेंगे। एंड वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होगी क्या नहीं मुझे नहीं पता, बिकॉज मेरे जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आने वाले हैं। सो ये एक इन्विटेशन है, सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आपको भी मज़ा आएगा। सो आज हम प्रिपरेशन करेंगे एमली इन पेरिस का, कुछ ड्रेस सेटअप करूँगी मैं, देखती हूँ कुछ समझ आए तो एक बार लेने जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए, और नहीं समझ आता जो हमारे पास है डिज़ाइनर ड्रेसेज उसमें से कुछ पहन लेंगे। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? तो कल की तैयारी बहुत कुछ करनी है। जब से सो के उठी हूँ तब से वेदर इतना ज्यादा प्यारा है, गर्मी भी नहीं है, ठंडी हवा चल रही है, एंड आप देख सकते हो बारिश का पूरा वेदर। गुची बच्ची यहाँ पे सो रहा है। गुची रूम में जाके सो जाओ, अब ऐसे नहीं सोते बेटा। गुची को शिफ्ट करके मैंने यहाँ सुला दिया। फटाफट ब्रश कर लेते बिकॉज मम्मी ने आज ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाया है। मैं नीचे जा रही होती हूँ ना, गुची का नजर सिर्फ मुझ पे रहता है कि आखिर ये कहाँ जा रही है और क्या खाने का लेते। देखो मम्मी आज ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा बनाई है, समझ रहे हो? बहुत मस्त कचौड़ी, कचौड़ी सब्जी बना रही एकदम गर्मा गर्म। ले आज अचानक से कचौड़ी सब्जी बना रही। अच्छा था ना, पापा बोला। ओ पापा ने बताया मम्मी को। ओके ये देखो यहाँ पे आलू की सब्जी है मस्त वाली। ले जाओ, और नहीं खानी है, दो ही खानी है बस। सब्जी खा के दे। थैंक यू। मम्मी यहाँ सो रही, गुची को मेरी बहन परेशान कर रही है। चढ़ा कहाँ चढ़ा? अभी गुची ऊपर चढ़ के दिखाएगा। गुची जा ऊपर चढ़ के दिखाओ, देखो दोनों लड़ाई करते हैं, मस्त दौड़ते हैं। अभी देखना गुची ऊपर चढ़ जाएगा। 1 2 वाओ ग्रेट, वाओ वाओ गुची गुड। मम्मी आप हट जाओ, देखे चढ़ पाएगा फिर। अभी मम्मी को हटा दे, देख चढ़ पाता है क्या। इसको चढ़ना सिखा, उतरना सिखा, सीढ़ी पे भी उतरना सिखा टॉफी। देखती हूँ चढ़ पाता है। लग गया। हाँ लग गया ना गुच्ची, गुच्ची को लग गया। सब मजा नहीं लेते गुच्ची का। सबको मारेंगे ठीक है। सुबह उठते मुझे ना गुप्ता खाने का मन करने लगा, क्योंकि ये पूरा वेज रहता है और काफ़ी टेस्टी खाना रहता है। तो मैंने पिज़्ज़ा खाया एंड साथ में इडली चटनी सांभर खाया। फिर है ना चाय पीने का मन किया, तो मैं सोची चलो शर्मा का चाय पिया जाए, एंड फिर मैंने चाय पी लिया। एंड यहाँ पे नाइट सूट पहन के मैं आ गई। एक्चुअली मैं निकली इसलिए थे बिकॉज मेरे को एमली इन पेरिस का थीम का ड्रेस ढूंढना था। तो मैंने ना मैं आ गई शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे शर्ट एंड स्कर्ट ट्राई किया, तो ये मुझे उतनी क्लासी नहीं लगी। एक्चुअली एमली इन पेरिस का थीम है, कल मुझे जाना है एक ब्रंच पे, तो वहाँ का थीम यही है। सो इन्विटेशन है, थीम के हिसाब से जाना होगा राइट। तो ये बैगी सा शर्ट पहना एंड ये लेदर वाली स्कर्ट पहना, ये भी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। तो आप लोग बताना कि मेरे पास बहुत सारे ड्रेस है जो आप लोगों ने देखा होगा, तो उस ड्रेस में से मैं कौन सा ड्रेस पहनूं और कौन सा अच्छा लगेगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर देना। वैसे तो आज मुझे जाना ही है, अभी मैं निकल जाऊंगी बट फिर भी आप लोग सजेस्ट कर देना, क्या पता मेरे जाने से पहले आप लोग का सजेशन दिख जाए, है ना। सो गाइज अभी मैं सो के उठी हूँ एंड अभी 7 बज रहा है और अभी मैं नहाई हूँ, आप देख सकते हो, बिकॉज यार आज तबीयत थोड़ी डाउन लग रही थी तो थोड़ी देर सो गई थी, और ऐसा सोई कि 7 बजे उठी हूँ। बताओ अभी आप देख सकते हैं आँख में भी डार्क सर्कल है, तो कल तक ठीक करवाओ, कल इवेंट पे जाना है, तो सोच रही पार्लर जाऊँ। क्या बोलते मम्मी? मम्मी एकदम शॉर्ट करा देती है। नमकीन बिस्किट नहीं खाना है मम्मी, प्लीज नमकीन तो क्या है, मैं मॉम्स मैजिक नहीं खाना है, गुड्डे वुड्डे नहीं खाना है मम्मी। तो गाइस इतने सारे बिस्किट है, मम्मी ने मॉम्स मैजिक खोल दिया, तो मैं ये वाली बिस्किट खाना चाहती हूँ। इसका आधा खुला हुआ है, देखो नया पैकेट नहीं खोले मम्मी, यही वाला खोल रहे हैं, इसका एक पैकेट निकाल के दे दो। कटोरी भी चाहिए हमको, कटोरी तो झूठा ही है। थैंक यू गुची, अब मेरे पीछे पीछे आएगा इस आस में कि मैं उसको दूँ। ये देखो मेरी बहन बैठ के फ़ोन चला रही है। गुची हम यहाँ नहीं बैठ रहे भाई, 3 बिस्किट मैं एकदम डुबा डुबा के खाऊंगी। गुची का नज़र जो है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा बिस्किट इधर है, पूछ ही ला रहा देखो ना खाने के लिए, पर गुची को नहीं। बहन बैठ के पापा कुछ लेके आए हैं, ये देखो गर्मा गर्म समोसा, मतलब मुझे नहीं मिलेगा, ये दोनों अकेले खा जाएगी, बट एक मैंने इससे ले लिया है। चटनी भी लगा लेते हैं, पूरा चटनी लपेटना चाहते हैं हम ले लिए, तेरा एक ले लिए भाई। गाइस अभी मोमो खाने का दिल कर गया है, तो मैं जा रही हूँ मोमो खाने के लिए, एंड गुच्ची को देखो नाना मामा देख रहा हूँ।
बोलोगे यार कितना ही खाती है, तो यार मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब आई एम फूडी। एंड फिर आप बोलोगे जिम क्यों जाती हो, तो जिम इसलिए जाती हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। और मेरा मानना ये है कि आपको लाइफ में जो मन करे आप वो करो, जो इच्छा हो वो करो, जो इच्छा है वो खाओ, खाओ पियो ऐश करो, मित्र हो मित्र रहो। तो गाइस मुझे ऑटो राइड काफी बुलेट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, इतना हॉर्न मारता है ना मेरा दिमाग चल जाता है, ऐसा हॉर्न मारता है यार। ऑटो राइड करने में मज़ा ही कुछ अलग है, इतनी ठंडी हवा चलती है चारों तरफ से, है ना, देखो खिड़की खिड़की। इस मैं आ गई थी अग्रवाल्स पाव भाजी, एंड यहाँ पे ना बहुत टेस्टी पाव भाजी मिलता है जो कि राम मंदिर में है। और मैंने ना एकदम टेस्टी सा ना मोमो खाया, मोमो भी काफ़ी गर्मा गर्म और फ्रेश था, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट था, देखने में लग रहा था एकदम टेस्टी सा। तीन तरह की चटनी सूप के साथ इन लोगों ने मेरे को मोमो सर्व किया। यहाँ पे मैं अकेले आई थी तो मैंने कैमरा को साइड में रखा और फटफट मोमो खाने लगी। कुछ रास्ते हमें अकेले ही तय करने रहते हैं, स्टेस अलोन स्टे हैप्पी वाली सीन याद आ गई मुझे। मोमो खा के मज़ा आ गया, गर्मी है तो आइसक्रीम भी खा ही लेती हूँ क्या, मम्मी के लिए बहन के लिए और गुची के लिए भी ले लिया, भी ले लिया बिकॉज यार मम्मी है ना आजकल मेरे लिए खाना बनाती ही नहीं है। तो सबके लिए आइसक्रीम, मम्मी लो चोको बार, आज आपका कॉर्नेटो नहीं लाया, पापा सो गया क्या, पापा उठो बाबा आपके लिए आइसक्रीम लाया, आप सो जाते हैं यार। यहाँ पे आके जन्नत मिलता है, एसी भगवान ने किसने बनाया एसी यार, अच्छा किया क्या बाबा, गुची उछल रहा है, गुची तुम्हारे लिए भी लाई हूँ रुको, पापा को प्लेट दो। गुची के लिए वैनिला आइसक्रीम, टॉफी तुम और गुची लो खा लो, गुची को पूरा मत देना, लो लो रुको गुची रुको, गुची अभी वैनिला आइसक्रीम खाएगा, आधा पापा खाएंगे आधा गुची खाएगा। मेरी बहन के लिए मैं जो आइसक्रीम लाई थी मम्मी रास्ते में खा लिया मैंने, पता है मेरा मन कर गया यार रास्ते में खाना ही पड़ा, फिर मुझे गया गुची। ओह गुची शॉर्ट शॉर्ट, मैंने अपना आइसक्रीम कुर्बान कर दिया है, देखो अच्छा था चॉकोबार भाई, पता नहीं तेले लेके आए थे पर हम रास्ते में मेरा मन ललचा गया तो तेरा ही आइसक्रीम खा लिए, चॉकोबार खाने का दिल था, नाटक करती है हमको नहीं खाना पापा आप खा लो, हाँ लाइट ऑफ कर दी जी, थोड़ा खा रहा है, पापा भी खा रहे हैं मस्त, मम्मी भी खा रही है, सब मजे से खा रहे हैं। हाँ क्या सुनाई नहीं दे रहा है यार, क्या गुची बड़ा है कि डेढ़ लाख बड़ा है, ये क्या था गुची बड़ा की डेढ़ लाख बड़ा है, गुची को फोन दे दो अपना, क्यों दे दे हम फोन, क्यों दे दे तुम अपना दे, चल अपना दे, हाँ दे हाँ दे फोन दे, कैमरा पूछ रही थी गाइस दो मिनट को, ये अपना फोन दे दी गुची को, देखो कुर्बानी दे रही अपने फोन का, इसके मुंह में दे, अरे इसके मुंह में दे गुची, फोन ले टॉफी का, फोन दिखा अपना, नॉट फोन दे नॉट इंटरेस्टेड क्या गुची, ले ले फोन ले ले गुची, वेरी गुड गुची, मुझसे क्यों एक्चुअली बहुत एक्चुअली मम्मी एक्चुअली बोलती कैसे मम्मी, मम्मी एक बार दिखाओ तो गुची कैसे करता है टॉफी को करके बताओ, मम्मी मम्मी प्लीज मम्मी करो ना, मम्मी अभी करो करो ना मम्मी करो ना प्लीज मम्मी। खाने में मैं खा रही हूँ पाव भाजी यार, अग्रवाल्स का फेमस पाव भाजी, एंड यहाँ पे प्याज दिया इन लोगों ने, तो आप बटरी पूरा पाव जो है ना वो काफी बटरी आप लोग देख सकते हो, खा के मजा आएगा। गुची का पहले नजर जाता है, मेरी बहन और हम सब खाएंगे गुची के लिए, टॉफी ले खा ले गुची के, गुची के लिए अलग से, तुम मत खिलाना हम खिला देंगे ठीक है, देखो चाट गया तेरा मुंह चाट गया, हम खिला देंगे नहीं हम खिलाएंगे हम खिलाएंगे, इतना डिलीशियस पाव भाजी ना, इतने दिन बाद मैंने पाव भाजी खाया है, सतनान पर का पाव भाजी भी बहुत टेस्टी होता है, और मैंने अग्रवाल्स का आज खाया है वो भी काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक है, मतलब थोड़ा तीखा है चटपटा है, खाने में मज़ा आया, अच्छा है टॉफी 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 तो मज़े से खा रही है, सही बोला मम्मी भाजी मैंने खा लिया, मेरी बहन नूडल बना रही है, मतलब हम लोग काफ़ी फूडी है यार, दिन भर खाते रहते हैं टॉफी तो मस्त एकदम, नूडल का पैकेजिंग काफ़ी अच्छा दिया था, मेरे लिए मत बनाना भाई पेट भर गया, मैंने मोमो भी खा लिया था, गुची का तो मन नचा रहा है यार, कुछ तो खाने मिल जाए फेशियल तो आज मैं बाहर से करवाई नहीं सोचा था, बाहर जाके कराऊंगी, कोई नहीं घर पे हम इंस्टेंट फेशियल करते हैं, मैं बताती हूं आ गई यार, मैं किचन में जा रही थी, अब हमको गेट खोलना पड़ेगा फिर से किचन का, उफ इसका यप्पी रेडी है, देखो वाह 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 वेजिटेबल यप्पी, एक टाइम पे लोग मैगी बहुत खाया करते थे, अब यप्पी खा नहीं है, रहता क्या है मम्मी, मम्मी रहता क्या है मम्मी, एलोवेरा जेल है काफी, एलोवेरा जेल था ना तेरे पास, कहाँ है
मेरे टाइम पे कहाँ मैं। अरे यार कल जाना है मम्मी इवेंट पे, थोड़ा सज धज के जाना होगा। और अभी मैं जा रही हूँ, सोचो फेशियल अपना मुँह चमकाने के लिए। सबसे पहले हम डालेंगे कॉफी, एक कटोरी में मैंने कॉफी डाल दिया देखो, ठीक है। और लेंगे हम शहद, थोड़ा सा शहद ऐड करेंगे, और एलोवेरा जेल अगर आपके पास हो तो डाल देना, मेरे पास नहीं है तो काकी से अभी लिया है बिकॉज खत्म हो गया था हमारे घर पे हनी। हम डालेंगे थोड़ा सा शहद बस। छत पे आएंगे क्या आप? आएंगे कि नहीं बताइए ना, आ जाएगा ना एक घंटे के लिए। कल पक्का आएंगे तो आप बोलते हैं आंटी, ठीक है ठीक है, कल पक्का आइएगा ठीक है, छत पे ठीक है, बात करेंगे छत पे। चलो थोड़ा सा मिला लेते हैं उसको हाथ से। गाइस उसको अच्छे से मैंने मिला लिया है, तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना वरना ये घुलेगा नहीं, ठीक है। तो हनी, पानी और साथ में कॉफ़ी, ये ऐड करके मैंने इसको बनाया है। तो 10 मिनट्स हम फेस पे लगाएंगे। पूछी यार खाने का नहीं है बेटा, मुंह में लगाने का है। तुम ऐसे ही इतने गोरे हो, तुम लगा के क्या करोगे बोलो, है ना। मम्मी अपने घर में सबसे ज़्यादा गोरा गुची है, है ना। पापा तो चद्दर ओढ़ के मस्त सो रहे हैं अभी। मैं एक्चुअली इस रूम में कांच है, तो मैं कांच है इसलिए मम्मी पापा और सबको डिस्टर्ब करना होता लाइट ऑन करके, सॉरी। पर क्या करूँ, कल तो जाना है मम्मी, सॉरी। तो गाइस 10 मिनट अब हम ऐसे ही छोड़ देंगे, देखो है ना। 10 मिनट्स बाद मैं वॉश करके आपको अपना चेहरा दिखाऊंगी, पूरा ग्लो आ जाएगा मेरे चेहरे पर। तो ये मेरे ग्लोनेस का रास्ता। गाइस देखो मेरा स्किन कितना ग्लो कर रहा है ना। तो चलो अब आपके कमेंट पढ़ने की बारी है। तो एक जन ने लिखा है कि दी आपसे मैं अकेले कैसे रहते हैं सीख लिया। तो देखो मैंने ना अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है यार, कि अपने फ्रेंड्स को देखा है, ठीक है, बहुत लोगों को देखा है कि मैंने बोला है कि यार वीडियो बनाना है, चलेगी साथ में या चलेगे ऐसा वैसा, बट कोई साथ नहीं देता यार, कोई भी नहीं। अकेले ही लास्ट में जाना पड़ता था मुझे, इसीलिए मुझे आदत हो गई है अकेले सब कुछ करने की, अकेले वीडियो बनाने की, अकेले हर दूर दूर जगह में चली जाती हूँ। और करना होता है अकेले यार, लाइफ में सफ़र अकेले ही तय करना पड़ता है, कोई आपका हेल्प करने नहीं आ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने सीखा, इसलिए मैं आप लोग को भी सिखाती हूँ, व्लॉग में दिखाती हूँ सोलो डेट ये वो, ताकि आप लोगों को भी हौसला मिले, हिम्मत मिले अकेले चलने का। आप वो वाइट वाला स्लीपर मत पहना करो, एक मेट्रो से ले लो, सो कम्फर्टेबल, प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा ठीक है, मैं मेट्रो से एक स्लीपर लूँगी। वैसे वो जो स्लीपर था ना जिससे मेरा शू बाइट हो गया, तो वो वाली स्लीपर H&M से लिया था, कोई नॉर्मल चप्पल नहीं है, H&M की चप्पल थी, बट फिर भी ऐसा हो गया। हाय, हमको आपसे मिलना है, कोलकाता है और हम साथ में घूमना है, फ्रेंडशिप भी करना है। ओके ज़रूर मिलूंगी मैं किसी दिन आपसे। जिम करने का क्या फ़ायदा जब इतने स्ट्रीट फूड खाते हो? जिम मैं अपने शौक के लिए करती हूँ, अपनी मर्ज़ी के लिए करती हूँ, बिकॉज़ देखो लाइफ में आपको जो करना है आप वो कर लो, क्योंकि लाइफ कब तक है किसी को पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को जिम करना पसंद है इसीलिए मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को एक बॉडी बनानी है या डाइट मेंटेन करना है। और स्ट्रीट फूड मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं खाती हूँ यार, नहीं रहा जाता स्ट्रीट फूड के बिना। अलका, आपकी मम्मी आलू का पराठा बना रही थी, एकदम से आलू मटर का राइस कहाँ से आ गया, कहाँ खाने में? आई एम रियली सॉरी अगर आपको आलू का पराठा से आलू मटर आ गया, बिकॉज मैंने 2 क्लिप ऐड कर दिया भूल से, सो आई एम रियली सॉरी। तुम डेली डेली इतना जंक फूड खाती हो, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी। हाँ मैं जानती हूँ हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है यार मैं थोड़ा कम खाऊंगी, ठीक है। आप लोग कहाँ से है? सो आई एम फ्रॉम कोलकाता। कितना खाते हो यार, अच्छा लगता है मुझे खाना, और मेरी डेली व्लॉग्स है तो मैं जो भी खाती पीती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो आप लोग को शो कर देती हूँ। आपकी शादी कब होगी? वो शादी तो मुझे नहीं पता कब होगी, जब मेरे मॉम डैड कराएंगे। और अभी मेरे को कुछ मैंने लाइफ में किया नहीं है यार, मेरे को बहुत कुछ करना है अपने लाइफ में। फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, अपना एम पूरा करना है, अपने गोल्स पूरा करना है, मॉम डैड के लिए बहुत अच्छा से अच्छा चीज़ें करनी है जो अभी मैं नहीं बता सकती, बट अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, अभी शादी का नहीं सोच सकती मैं, बट हाँ मॉम डैड पे भी डिपेंड करता है। फोटोशूट जल्दी रहो, जल्द से जल्द आने वाला है, हम एक नया काम करने वाले हैं, सब कुछ मैं व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सो दी आप व्लॉग में मेरा कमेंट पढ़ लेना, अच्छा ठीक है। हाय दी, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड लवली, आपका व्लॉग बहुत अच्छा होता है, यू आर नाइस, थैंक्स। मैं तो 7 to 10 ईयर्स का हो गई तो सॉरी, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला। तो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट कर देना एमलिन पेरिस का ड्रेस मैं कौन सा पहनूं, जो मेरे पास पड़ा है उनमें से बता देना, बिकॉज नया मैं गई थी लेने बट मुझे मिला नहीं। तो जब तक आप लोग बताओगे आई गेस मैं तब तक पहन चुकी होंगी, जा चुकी होंगी, अभी टाइम हो गया जाने का। सो बाय बाय, मिलते हैं कल एक अमेजिंग व्लॉग के साथ। तो कल का व्लॉग ज़रूर वेट करना, कल का व्लॉग बहुत अमेजिंग होने वाला है। बाय बाय।